हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के आने वाले कुछ एग्जाम्स के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आप सभी जानते हैं आगे वीडियो का एग्ज़ाम है, उसके बाद यूपी पुलिस के बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं और यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है और लेखपाल की। तो इस तरह से जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम क्या जो यूपी के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, उसमें हम क्विक जी के रिविज़न करेंगे। बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे आपके पास, उनको सभी के आंसर्स आपको खुद से ट्राई करने हैं, फिर मैं उनके आंसर्स बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम जीके के क्वेश्चंस का रिविज़न करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो देखिए, सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो कौन से काल की सभ्यता मानी जाती है? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। इसके बाद हम देखते हैं, स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो इसका जो आंसर होगा वो है जैन धर्म। तो ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? तो देखिए, अशोक की कौन सा शिलालेख है जिसमें कलिंग विजय का वर्णन किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 13वां, यानी ऑप्शन D, ठीक है। इसके बाद अगला है, सल्तनत काल किस सुल्तान से सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? तो कौन सा सुल्तान था? तो ये सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला है, निम्न में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा गया है? तो स्वर्ण काल जो कहा गया है वास्तुकला की दृष्टि से, वो शाहजहां के टाइम को कहा गया है, क्योंकि शाहजहां ने बहुत सारी चीज़ों का निर्माण कराया था, ठीक है। उसके बाद 1857 की विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें जो तत्कालिक कारण था, तो देखिए ऑप्शन दिए हैं, सैनिकों के विदेश भेजा जाना, नहीं होगा ये, सैनिकों के कान में कुंडल पहनने तथा माथे पर चंदन लगाने पर रोक, ये भी नहीं है, सैनिकों के अतिरिक्त भत्ता ना दिए जाने पर, और या फिर सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन D करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो आप बताइएगा इसका आंसर कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। तो देखिए, मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई के अंदर है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन D, ठीक है। अगला है, कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो जो कठपुतली है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है राजस्थान का लोक नृत्य, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार है, तो भारत सरकार के द्वारा जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा पुरस्कार है इन सभी में? तो देखिए, जो इसका आंसर होगा वो होगा गांधी शांति पुरस्कार, ठीक है, ऑप्शन C। अगला हम देखते हैं, लेडी लेडी विद द लैम्प किस उपनाम किसे उपनाम दिया गया है? तो लेडी विद द लैम्प जो था वो किसको दिया गया था? ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल को दिया गया था, ठीक है। ये 9th क्लास में एक चैप्टर भी हुआ करता था। इसके बाद अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए, इसका कौन सा जो सुमेलित नहीं है? तो देखिए, चकवा जो चकेवा बिहार से संबंधित है लोकनाथ, पांडवानी छत्तीसगढ़ से है और भगोरिया छत्तीसगढ़ से है। तो कौन सा है? लावणी जो है झारखंड से संबंधित नहीं है, इसीलिए, क्योंकि लावणी कहाँ से है? महाराष्ट्र से संबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन A हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध खुजराहो के मंदिर किस राज्य में है? तो खुजराहो के जो मंदिर हैं वो सभी जानते होंगे, ये मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जो गैंडे हैं वो जो कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं काजीरंगा नेशनल अभ्यारण्य में, ठीक है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन था ये हाल ही में अभी टेट के एग्जाम में भी पूछा गया था। अगला हम देख लेते हैं, निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो देखिए, जो सदाबहार वन है वो इन सभी में से ना तो अरावली में पाए जाते हैं, ना ही शिवालिक में, और ना ही राजमहल पहाड़ियों में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा डी करेक्ट। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसके अधिक होता है? तो देखिए, दैनिक मौसम का जो परिवर्तन है वायुमंडल में वो होता है समताप मंडल के अंदर, ठीक है, ऑप्शन D इसका करेक्ट है। इसके बाद अगला देखते हैं, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वो है 149 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, रॉकीज एंडीज एटलस अल्पस हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ये जो पर्वत हैं ये किस तरह के पर्वत हैं? तो ये सभी जो हैं बलित पर्वत हैं, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है
तो विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो कौन सा है? तो ये जो डेल्टा है वो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय समांकन को आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो राष्ट्रीय आय का समांकन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रचन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई जाती है, तो भारत में जो बेरोजगारी है, प्रचंड बेरोजगारी, वो किसके द्वारा होती है? ये कृषि क्षेत्र में दिखाती है, ठीक है। अगला है, भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं, तो भारतीय के योजना निर्माण के उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो राष्ट्र की आय में वृद्धि करना, आय की संपत्ति में असमानता को घटाना और निर्धनता उन्मूलन, यानी तीनों ही इसके राइट हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसके लिए सही होगा। अगला हम देख लेते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे अच्छे ढंगों से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, तो भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो कब से प्रारंभ होता है? तो इस देखिए ऑप्शन है, ए वन 1 जनवरी, बी है 1 मार्च, सी है 1 अप्रैल और डी है 1 दिसंबर। तो ये इसका आंसर होगा वो ऑप्शन सी, यानी 1 अप्रैल होगा। चलिए अगला देख लेते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है, तो जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसका क्या लक्ष्य है? तो उसका लक्ष्य होता है गरीबों के खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना। तो इसके लिए जो तीनों क्वेश्चन ऑब्जेक्ट हैं वो ठीक हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार का मूल अधिकार बनाया गया? तो बताइए इसमें से कौन सा संशोधन अधिनियम था जिसके जरिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? तो देखिए ये इसका जो राइट आंसर होगा वो 86वां संशोधन, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? तो जो दल बदल का कानून है वो 5वीं अनुसूची में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद ग्रहण कर सकते हैं? तो जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है वो अपना पद ग्रहण करने की अधिकतम जो आयु होती है वो 62 वर्ष होती है, ठीक है। ये होती है उच्च न्यायालय के लिए, और जो सर्वोच्च न्यायालय होती है उसके लिए 65 वर्ष होती है। अगला हम देखते हैं, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो देखिए लोकसभा का जो विघटन होता है वो राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बतानी है। तो देखिए इसमें जो राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की संख्या बतानी थी, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यहाँ सॉरी यहाँ 29 और 7, यहाँ 9 होगा, ठीक है, 29 एवं 7, ठीक है। अगला है, संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो मूल कर्तव्य जो है वो लिए गए हैं सोवियत संघ से, ठीक है, पूर्वी सोवियत संघ से। उर्वशी के रचनाकार की हम बात करें तो उर्वशी जो की रचनाकार है वो है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो ये जो कप है वो हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए कबड्डी जो है उसमें 7 प्लेयर होते हैं, ठीक है। उसके बाद बास्केटबॉल में 5 होते हैं, बेसबॉल में 9 होते हैं। तो देखिए ये है पोलो, इसमें 9 दिए हुए हैं, जबकि पोलो में कितने होते हैं? पोलो में सिर्फ 4 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, और जो वाटर पोलो होता है उसमें 6 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, तो इसका जो आंसर है वो डी सही होगा, मतलब इसमें ये सुमेलित नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत के सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है? तो सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो वो है बेटन कप, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला हम देखते हैं, किसी एक सामान्य व्यक्ति का रक्त का पीएच स्तर होता है? तो जो सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच होता है वो 7.35 से लेकर 7.45 के बीच होता है, ठीक है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण में पर्ण हरित की भूमिका है? तो देखिए पर्ण हरित क्या करता है प्रकाश संश्लेषण में?
वो प्रकाश का अवशोषण करता है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया है डबल रोटी में फुलाव कौन सी गैस से लाया जाता है, तो डबल रोटी जो है उसमें फुलाव लाया जाता है वो कौन सी गैस की वजह से, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नींबू खट्टा किस कारण से होता है, तो नींबू जो होता है वो खट्टा हो जाता है किस वजह से होता है, वो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खियों का पालन कहलाता है, तो मधुमक्खियों का जो पालन होता है उसको हम कहते हैं एपीकल्चर। नेक्स्ट है जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है, थोड़ी ऊपर उठ जाती है या फिर थोड़ी डूब जाती है या फिर अपरिवर्तित रहती है, या ऊपर उठना या डूबना नाव के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो इसके लिए जो आंसर होगा वो होगा थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, तो कौन सा रोग है जो विषाणुओं के कारण होता है, तो वो होता है हैजा, ठीक है, ये वायरस की वजह से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं, तो पेड़ क्या चीज़ छोड़ते हैं रात्रि के दौरान, तो पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड रात में छोड़ते हैं, और दिन में क्या छोड़ते हैं, दिन में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दूध उदाहरण है, तो दूध किस चीज़ का उदाहरण है, तो दूध है वो एक कोलाइड इमल्सन है, ठीक है, क्या है, इमल्सन। इसके बाद अगला हम देखते हैं डेसीबल है, तो डेसीबल क्या है, डेसीबल एक वाद्य यंत्र है, नहीं होगा। डेसीबल क्या है, वाद्य स्वर है, ये भी नहीं होगा। ध्वनि स्तर की मापन की इकाई है, ये राइट होगा, तो इसके लिए आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो जो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन है उसको लिखने की जो प्रोसेस होती है उसे हम असेंबलिंग बोलते हैं। अगला है आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है, तो आईसी जो चिप होती है उनका निर्माण सेमी कंडक्टरों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट एक नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क है। अगला है किसी बिजनेस के लिए आंतरिक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, या फिर भारत सरकार का कम्युनिकेशन सिस्टम है, या फिर सभी, तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी आ रही है, तो जो तकनीकी है वो अब कौन सी आ रही है, तो देखिए अब जो है यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, 4G पहले ही आ चुकी है, 5G आएगी, ठीक है। अगला हम देखते हैं, अगला है एलसीडी का पूरा नाम, तो एलसीडी का जो पूरा नाम है वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है, तो देखिए हमें बताना है जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश के अंदर वो कितने हैं, तो देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो 4 विश्वविद्यालय हैं, आप सभी जानते होंगे BHU, AMU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, और जो एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, ठीक है। तो ये 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किए गए हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय है वो कहाँ स्थापित किया गया है, तो वो चित्रकूट के अंदर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राधा स्वामी मत का मुख्य केंद्र दयाल बाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये जो है वो आगरा के अंदर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, तो ये जो पत्रिका है वो कहाँ प्रकाशित होती है, ये ऋषिकेश से प्रकाशित की जाती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य ब्रज क्षेत्र का है, तो ब्रज क्षेत्र का कौन सा नृत्य है, तो ये है सरकुला नृत्य, ठीक है, सरकुला नृत्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिखा है सैयद सलार मेला कहाँ लगता है, जो सैयद सलार मेला है वो कहाँ लगता है, ये बहराइच के अंदर लगता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश की 11वीं योजना में औद्योगिक विकास की दर निम्नलिखित की निश्चित की गई, तो 11वीं जो योजना थी उसमें कितनी थी, 10.5%। अगला है उत्तर प्रदेश की विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है, तो कौन सा क्षेत्र है, ये पश्चिमी क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक विकसित है, और जो पूर्वी क्षेत्र है वो सर्वाधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इसके बाद अगला हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश के विशाल स्तर विस्तार को देखते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना हेतु गठित जस्टिस जसवंत सिंह आयोग ने किसके लिए किस स्थान की संतुष्टि की,
तो इन्होंने कहा इसके लिए कौन सी, इसका जो आंसर होगा वो होगा आगरा। ठीक है, अगला है लोकसभा हेतु उत्तर प्रदेश में निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या। तो देखिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा के लिए कितने संसद सदस्यों की चुनाव किया जाता है, निर्वाचित किए जाते हैं, तो ये जो टोटल सीट है लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश से वो है 80। ठीक है, ऑप्शन बी। और राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में कितनी है, 30 है। और अगर हम जो है विधान सभा की बात करें तो विधानसभा में 403 प्लस एक है, और विधान परिषद की बात करें तो 100 सीट है। ठीक है, तो ये सारी याद होनी चाहिए, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने जो है बहुत सारे जो जीके का रिवीजन किया, जीके के क्वेश्चंस का रिवीजन किया, और दोस्तों इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं यूपी वीडियो को एग्ज़ाम को लेकर। अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन सारी वीडियो को देख सकते हैं, और उसका जो लिंक है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, क्योंकि वो सारी वीडियोज़ जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। मैंने बहुत सारी वन लाइनर जीके के लिए भी वीडियो अपलोड की हैं, और बहुत सारे लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेके आइए, तो मैंने ये वीडियोस भी शुरू की हैं। तो अब दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और आप अच्छे से बताइएगा। इसके बाद में इसी अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमें ज़रूर लिख के बताइएगा, तो हम मैं इस पर आगे भी और कंटिन्यू वीडियोज़ बनाऊँगा। तो तब तक के लिए दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से हमें फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम टेलीग्राम शेयर चैट सभी जगह हमें फॉलो कर सकते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।